एतावानस्य महिमा तुर्यांश्च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि। पर ये मत सोचना कि परमात्मा की जो ग्रेटनेस है वो इतने ही है जितना बड़ा कॉस्मोस है, यूनिवर्स है या ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है वो सब उसकी क्या धरा है, वो उसकी ग्रेटनेस है, ग्लोरी है। तुम्हारे बॉडी भी अपने आप में एक चमत्कार है, मिरेकल है। तुम्हारे लाइफ भी मिरेकल है। ये हवा, पानी, आकाश, समुंदर सब मिरेकल है, सब उसकी ग्लोरी है। पर तुम इतने में चमक नहीं जाना, इतने में ही घबरा नहीं जाना कि उसकी इतनी इतने सारे ग्रेटनेस है। कहते तो जायांश च पुरुष, उससे भी ज्यादा है ये परमात्मा। कितना ज्यादा? पादोस्य विश्वभूतानि, द होल वर्ल्ड, जो होल कॉस्मस है वो उसका एक पाद है, एक क्वार्टर है। त्रिपादस अस्य अमृतम दिवि, और उसका जो थ्री क्वार्टर से जो थ्री फोर्थ है वो बियॉन्ड आवर ज्ञान, हमारे नॉलेज है, वो इस कॉस्मस से परे है। त्रिपादूर्ध्वा उदयित पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनाशने अभि। वो जो परमात्मा है त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुष, वो जो पुरुष, वो जो परमात्मा जो तीन पाद, तीन क्वार्टर ऊपर रहता है, और उसका एक पाद, एक क्वार्टर ये सारा ब्रह्मांड में है। ततो विश्वं व्यक्रामत, और वो इस इसीलिए वो सारे एंटायर वर्ल्ड में समाया हुआ है, इंक्लूडिंग दोज अशन, खाते रहे खाने पीने वाले, मीन्स एनिमल्स और लिविंग बींग्स, एनिमेट्स और अनशना, जो खाते पीते नहीं है, इनएनिमेट्स लाइक पहाड़, पर्वत, पत्थर आदि आदि, जड़ और चेतन तत्व, इन सब के अंदर समाया हुआ है। पाद शब्द इंटरेस्टिंग है ना, तो हिंदी में आप पाव कहते हो, बाजार में जाते हो ना सब्जी लेने या कुछ लेने, तो कहते हैं एक पाव दे दो, दो पाव, तीन पाव दो, आधा किलो दो। इंग्लिश में भी आप क्वार्टर कहते हो। संस्कृत, वो जो पाव शब्द है वो संस्कृत के पाद से बना, पाद का मतलब क्वार्टर। क्यों बना? संस्कृत में भी वैसे पाद का मतलब फुट होता है, लेग है ना, पैर, पर फिर वो क्वार्टर के सेंस में क्यों बना? क्योंकि नॉर्मली जो ज्यादातर जो जानवर होते हैं, जो हम इंसान जिन जानवरों से डील करता है, मोस्टली वो चार पैर वाले होते हैं। तो चार पैर में एक पूरा बॉडी होता है, तो एक पैर मतलब उसके वन क्वार्टर। देखिए दुनिया में लैंग्वेज ऐसे ही यूज होते हैं, लैंग्वेज ऐसे ही, वर्ड्स ऐसे ही इवॉल्व होते हैं, किसी ना किसी फेमस जो चीजों को देख करके फिर हम उसी से नए शब्द बनाते हैं। तो चार पैर में मतलब चार क्वार्टर में एक फूल होता है। परमात्मा अगर हंड्रेड है, मतलब फुल है, तो उसका ये जो पूरा संसार है, यूनिवर्स है, जिसमें गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, और उस प्लैनेट में हम आप भी हैं, ये सब, और ये पूरा स्पेस जो आकाश है, ये सब कुछ मिला करके उसका उसके वन क्वार्टर पर है। और उसकी जो थ्री क्वार्टर्स हैं, थ्री पाद, वो ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व मतलब ऊपर नहीं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है, बियॉन्ड आवर कॉग्निटिव एबिलिटी, हमारे ज्ञान की या जो कॉस्मस को जिसको हम जान सकते हैं उससे वो बियॉन्ड है। और जो जिसको हम ब्रह्मांड भी कहते हैं, ये जो होल ब्रह्मांड या कॉस्मस है, ये पूरा का पूरा बना हुआ नहीं है। वैसे भी आप मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में आप पढ़ते हैं या सुनते हैं कि जो
ये जो यूनिवर्स है, आपको एक स्लाइड दिखाते हैं फिर समझ में आएगा। ये जो डायग्राम है ये गूगल से लिया है, जो जिसका संस्कृत से कोई लेन देन नहीं, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट या कॉस्मोलॉजिस्ट जो बताते हैं कि ये जो यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं वो जो विजिबल है, मतलब जिसको हम जान सकते हैं, नहीं जानते अलग बात है, या जो होल वर्ल्ड जो है, जो भी मैनिफेस्टेड है, वो सिर्फ मैक्सिमम 1/4 मतलब 25% है। जो यूनिवर्स की जो पोटेंशियल है, मोस्ट ऑफ यूनिवर्स इवन जो कॉस्मस है वो अभी भी डार्क एनर्जी के रूप में, मतलब ऐसी एनर्जी जो अभी भी अनयूज्ड है, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में है, और उसकी परसेंटेज क्या है, अबाउट 74% अलग अलग जगह अलग अलग नंबर है, मतलब 3/4 ध्यान रखिए, त्रिपाद ऊर्ध्वम है ना, नहीं तो 3 पाद जो 3/4 से यूनिवर्स का भी वो अनमैनिफेस्टेड अनमेड फॉर्म में है, और जो मेड बना हुआ है वो सिर्फ 24 point something या सपोज 25% मतलब 1/4 है। उसमें भी बड़ी मजेदार बात है, वो जो जिसको हम मैनिफेस्टेड भी कहते हैं उसमें भी सिर्फ 0.4% होता है, जिसको हम स्टार्स या गैलेक्सीज कहते हैं उसमें भी 3.6% जो होता है वो सिर्फ गैस के फॉर्म में है, और जो बाकी 23% वगैरह है वो प्रॉपरली मैनिफेस्टेड नहीं हुआ है, उसको आप डार्क मैटर कहते हैं। तो यूनिवर्स अपने पूरे फॉर्म में मैनिफेस्टेड नहीं है। पुरुष सुक्त को ध्यान दीजिए, 1/4 उसका सारा संसार है, 3/4 उसका बियॉन्ड द मींस अनमैनिफेस्टेड में है, और जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं कि जो यूनिवर्स जो है एक्चुअल यूनिवर्स है उसका अभी भी 75% करीब करीब वो सिर्फ डार्क है, और सिर्फ उसके 25% किसी ना किसी फॉर्म में है, उसमें भी 23% डार्क मैटर फॉर्म में है, मतलब वो मैटर जो अभी तक प्रॉपर फॉर्मेशन में नहीं आए हैं, एनर्जी से तो कन्वर्टेड हो चुके हैं मैटर के रूप में, पर मैटर भी अभी शटल फॉर्म है जो प्रॉपर इसमें नहीं आया है। ये इसीलिए जानना कंपेयर करना जरूरी है, तो कम से कम साइंटिफिकली भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं हमारे वैदिक विचारों का, कि कितना लाखों साल पहले उनके भी विचार कितना आज की चीजों में मैच करता है। तो एक पुरुष जो परमात्मा सारे संसार में फैला हुआ है, और पूरा संसार उसकी सिर्फ 1/4 में ही है, बाकी 3/4 उसकी बियॉन्ड दैट है। जब आप कहते हैं सारे संसार में परमात्मा फैला हुआ है, तो परमात्मा संसार के बराबर नहीं है, पूरा संसार उसका सिर्फ 1/4 है ना, बाकी 3/4 से उससे बियॉन्ड है। परमात्मा का 1 पाद तो सारे क्वार्टर तो सारे संसार में समाया हुआ है, पर उसका जो 3/4 से वो उससे बियॉन्ड है। इसीलिए दूसरे श्लोक में वो कहा, पुरुष जो कुछ भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है वो सब कुछ परमात्मा है, पर एतावानस्य महिमा, सिर्फ इतनी उसकी महिमा नहीं, उससे भी बियॉन्ड है जो हमारे ज्ञान से परे है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।